तो दोस्तों ये है मेरे पास आज बोट एयरडॉप्स 91 ट्रूली वायरलेस ईयरबड। और आज की इस वीडियो में हम बोट एयरडॉप्स 91 ईयरबड का रिसेट करने वाले हैं। तो गाइस रिसेट करने से पहले आप सबको ये चेक करना होगा कि आपका जो ईयरबड है वो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो ईयरबड है वो चार्ज होना चाहिए रिसेट करने के लिए, तो उसके बाद ही आप अपने ईयरबड को रिसेट कर पाओगे। तो रिसेट करने के लिए आपको करना क्या, सिंपल, आपको अपने दोनों ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम दोनों ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद अब आपको करना क्या, सिंपल, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही ईयरबड्स में ऊपर की साइड में यहाँ पे आप सबको LED लाइट इंडिकेशन देखने को मिलते हैं, एंड ठीक वहीं पे आप सबको इसका टच कंट्रोल भी मिल जाता है। तो हमने करना क्या, सिंपल, यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स के टच कंट्रोल के ऊपर हमने टच एंड होल्ड करके रखेंगे 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही ईयरबड में जो LED लाइट इंडिकेशन है उसमें रेड लाइट ब्लिंक करके बंद हो जाएगा। तो ये चीज मैं आप सबके सामने लाइव करने वाला हूँ, तो प्लीज आप सब वीडियो पर बने रहें। तो यहाँ पे हम दोनों ही ईयरबड्स में टच एंड होल्ड करके रख लेते हैं 5 सेकंड के लिए। जैसे ही 5 सेकंड होगा हमने अपना हाथ यहाँ पे हटा देना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ही ईयरबड में रेड लाइट ब्लिंक करके बंद हो चुका है। तो रेड लाइट बंद होने के बाद अब आपको करना क्या, सिंपल, आपको वापस दोनों ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में रख देना है। तो यहाँ पे हम दोनों ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में रख दिए हैं। रखने के बाद अब आपको करना क्या, सिंपल, इस चार्जिंग केस को हमने बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब आपको 1 से 2 सेकंड का वेट करना है, उसके बाद हमने इस चार्जिंग केस को ओपन कर देना है। तो जैसे हम इसके चार्जिंग केस को ओपन करेंगे, ठीक वैसे ही हमारा बोट एयरडॉप्स 91 ईयरबड रीसेट कम्प्लीटली डन हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो एयरडॉप्स है रीसेट कम्प्लीटली डन हो जाएगा। और रीसेट होने के बाद आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होके पेयरिंग मोड पे आ जाएगा। अब आप इसे अपने किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट करने के बाद चेक कर सकते हो तो इसमें जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम होंगे वो सब सॉल्व हो चुका होगा। तो गाइज इस तरीके से आप सब अपने बोट एयरडॉप्स 91 ईयरबड्स को रीसेट कर सकते हो। तो गाइज अगर आप सबको बोट एयरडॉप्स 91 ईयरबड्स रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।